बात रहेगी गणेश, यहाँ पर भी धूमधाम से ईद मनाई जा रही है और लोग नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगते नजर आए। बकरीद का दिन फर्ज कुर्बानी का दिन होता है। आज ईद उल अजहा है, जिसे लोग बकरीद के नाम से भी जानते हैं। आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानी दी थी, जिसे अल्लाह ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और उसे सारी दुनिया में यादगार बनाने के लिए ईद उल अजहा का ये त्यौहार बना दिया गया। इस त्यौहार में जो लोग काबिल होते हैं उन लोग अपने घर में बकरीद कुर्बानी देते हैं, जो लोग काबिल नहीं होते उनकी हिस्सा लेकर कुर्बानी दी जाती है। नमाज अदा की है और हमने पूरे शहर के लोगों ने ईदगाह में और मस्जिदों में भी नमाज ली है, बड़ा खुशी के साथ नमाज पढ़े हैं और गले मिले हैं। और बस यही दुआ करते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं शासन प्रशासन के, गवर्नमेंट के, छत्तीसगढ़ और पूरे हमारे हिंदुस्तान में अमन वमान रहे, सुकून रहे, खुशी के साथ जैसा आज का माहौल है कि हमेशा रहें, खुश रहें, गले मिलते रहें, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ कायम रखें और हमेशा खुशी से रहें। और यही दुआ है कि हमारा मुल्क तरक्की करे। आज देश भर में ईद